यहाँ पर हम देखें कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग। कैश साइडिंग क्या है और स्लिप साइडिंग क्या है? तो कैश साइडिंग में हम देखें 80 में एक के उतार पर बनाई जाती है कैच साइडिंग। क्षमता पूरी गाड़ी के बराबर होती है, कैच साइडिंग की क्षमता है पूरी गाड़ी के बराबर होती है। अगले ब्लॉक सेक्शन की रक्षा करती है कैच साइडिंग, और गाड़ी का रुकना यहाँ पर कैच साइडिंग में आवश्यक है। कांटे सम्मुख होते हैं, कांटे हस्तचलित होते हैं, यानी ये कैच साइडिंग के बारे में बताया गया, कैच साइडिंग के बारे में कि कैच साइड में क्या होता है। 80 में एक के उतार पर बनाई जाती है, क्षमता पूरी गाड़ी यहाँ पर कैच साइडिंग में आ सकती है। अगले ब्लॉक सेक्शन की ये कैच साइडिंग रक्षा करती है, गाड़ी का रुकना आवश्यक है, कांटे सम्मुख होते हैं, कांटे हस्तचलित होते हैं। फिर है स्लिप साइडिंग। स्लिप साइडिंग में क्या होता है? 100 में एक के चढ़ाव पर बनाई जाती है स्लिप साइडिंग, 100 में एक का चढ़ाव हो। 3/4 वाहनों की होती है, इसकी जो क्षमता है 3/4 वाहनों की होती है, और पिछले ब्लॉक सेक्शन की रक्षा करता है, गाड़ी को रोका नहीं जाएगा, कांटे उन्मुख होते हैं, कांटे स्प्रिंग चलित होते हैं। गाड़ी का कैच साइडिंग या स्लिप साइडिंग में प्रवेश करना सांकेतिक दुर्घटना कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें ये 80 में एक का उतार है, तो ये क्या है? कैच साइडिंग। 80 में एक का उतार होगा तो वहाँ पर कैच साइडिंग बनाई जाती है इस तरीके से, ताकि कोई भी गाड़ी इधर से आएगी, ये सिग्नल को यहाँ पर पहले रेड रखा जाएगा, अगर बाई चांस गाड़ी रुकती नहीं है तो इसको ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। जैसे गाड़ी है, कांटे सेट एवं चालित कैच साइडिंग के लिए होते हैं, गाड़ी को यहाँ पर रोकने के लिए कहा जाएगा। अगर गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है तो फिर आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा 80 में एक के उतार की तरफ। कांटे मेन लाइन के लिए सेट एवं चालित कर दिए जाएंगे यहाँ पर, और जैसे ही कांटे मेन लाइन के लिए सेट एवं चालित कर दिए जाएंगे तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो कांटे हैं सेट एवं चालित, पहले कैच साइडिंग के लिए थे, अभी ये कांटे मेन लाइन के लिए सेट कर दिए जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पर कांटे चेंज कर देते हैं, ये क्या है? कैच साइडिंग के लिए, अब ये मेन लाइन के लिए सेट कर दिए। गाड़ी रोक सिग्नल पर रुकने के बाद कांटे मेन लाइन के लिए सेट एवं तालित करने के पश्चात रोक सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन भेजा जाएगा। तो यहाँ पर हम रोक सिग्नल को ऑफ कर देते हैं, अब गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाएगा। तो ये उतार वाले सेक्शन में गाड़ी को भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से कैच साइडिंग में गाड़ी का संचालन होगा। अब क्या करते हैं, वापस से कांटे हैं कैच साइडिंग के लिए सेट कर देते हैं। तो वापस से कांटे हैं कैच साइडिंग के लिए सेट हो गए हैं, और कांटे सेट एवं तालित कैच साइडिंग के लिए होने चाहिए यहाँ पर। अब जैसे ही गाड़ी रुक जाएगी, तो रुकने के बाद में इनको चेंज किया जाता है कांटों को, जैसे गाड़ी रुक गई है, अब इसको कांटे सेट एवं तालित मेन लाइन के लिए किए जाते हैं। फिर गाड़ी को इसको ऑफ किया जाता है, जो रोक सिग्नल है उसको ऑफ करके गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारी कैच साइडिंग के लिए। अब बात करते हैं हम किसकी, स्लिप साइडिंग की। तो स्लिप साइडिंग में चढ़ाव होगा, तो यहाँ पर 100 में एक का चढ़ाव है स्लिप साइडिंग, तो यहाँ पर हम देखें स्लिप साइडिंग है। तो यहाँ पर स्लिप साइडिंग में क्या होता है, 100 में एक का चढ़ाव, गाड़ी इधर चढ़ेगी, तो स्प्रिंग कांटे सेट स्लिप साइडिंग के लिए गाड़ी चलने से अपने आप चलते हैं, ये गाड़ी के चलने से अपने आप चलते हैं। जैसे ही गाड़ी इसके आगे चली जाएगी, ये अपने आप स्लिप साइडिंग के लिए सेट हो जाएंगे। जैसे हम बात करें, यहाँ पर गाड़ी आएगी, ये 100 में एक का चढ़ाव है, और स्प्रिंग कांटे हैं, इसलिए स्प्रिंग कांटे सेट स्लिप साइडिंग के लिए हैं, और गाड़ी के चलने से अपने आप ये चलते हैं। जैसे गाड़ी चली, अब गाड़ी यहाँ पर आगे जाएगी, अब गाड़ी आगे चली है, अब मान लीजिए गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है किसी कारण से, या कोई प्रॉब्लम है, तो गाड़ी वापस आएगी, और वापस आ करके गाड़ी रोल बैक होने पर, अब गाड़ी जब रोल बैक होगी तो ये ऊपर चढ़ जाएगी स्लिप साइडिंग में, थोड़ा बहुत पार्ट इसका ऊपर चला जाएगा, तो रोल बैक होने पर यहाँ पर चली जाती है। तो ये सांकेतिक दुर्घटना माना जाता है जब गाड़ी इधर जाती है।
लेकिन होता ऐसे ही है।